परेशान क्यों परेशान हो रहा है? बोर हो रहे हैं तो तुम आशीष के साथ खेल ले। तो फिर तू बाहर जाके खेल ले, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? मैं अकेला बाहर कैसे खेलूंगा? मैं तो बाहर नहीं जा सकता अकेला यार। अरे यार तू फिर काम करना, लूडो खेल ले ना, कैरम खेल ले। अकेले में कैसे खेलूंगा लूडो कैरम? सोचो तो कुछ। तो मम्मी के साथ जाके खेल ले, मम्मी ही जाके तू खेल सकते। मम्मी नहीं खेलती ना। तो तुम मेरे साथ ही खेल लो, डोरेमोन तुम्हारे साथ खेलने को तैयार बैठा है। तुम तो डोरेमोन एक ही जगह बैठे रहते हो। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे खेलना चाहो वैसे खेलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुमिता अंडा बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ बेटा, मैं आपकी मम्मी की फ्रेंड बोल रही हूँ। आपकी मम्मी बिजी होगी ना? मम्मी बिजी होगी। हाँ बेटा, मम्मी को रहने दो, मम्मी क्योंकि बिजी होंगी। एक काम करो, आपके फोन पे ना OTP आया होगा, एक मैसेज आया होगा, वो बता दो मुझे। OTP का क्या है? हाँ बेटा, वही 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 OTP 6 4 6 4 6 4 2 4 2 4। बस। अच्छा बेटा ये है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। तू एल से क्या? एल से लोड एन
आशीष आशीष जल्दी आओ, देखो मेरे बैंक में से बहुत सारे पैसे निकल गए हैं। ईशान तू अभी रुक, मैं आता हूँ। क्या हो गया मम्मी? अरे मेरे बैंक में से 20,000 रुपए निकल गए हैं। कैसे कब? नहीं कैसे निकल गए, अभी मैसेज आया, ये देखो। तुम्हारे पापा तो मुझे बहुत डांटेंगे, कहेंगे तुमने इतनी शॉपिंग कर ली, अब मैं क्या करूँ? देखना मुझे नहीं पता। अब मैं मम्मी देखो, उसमें तो 5 मिनट पहले का ही मैसेज है। क्या बोल रहा है? इसमें OTP नंबर भी है कुछ। हाँ देखो OTP, मैंने तो किसी को OTP दिया भी नहीं है। कैसे कराए ये बिल का? मैं ऐसा करती हूँ, बैंक वालों को फोन करती हूँ। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो हेलो मैम, स्वागत है आपका कस्टमर केयर सर्विस में। बताइए। बैंक में से 20,000 रुपए निकल चुके हैं। जी हाँ, अभी आपके बैंक से 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है। जी कैसे हुई है? मैंने तो कोई शॉपिंग में नहीं करी। मैम कैसे हो सकता है? आप ही के फोन पे OTP आया और आप ही ने OTP दिया है। मैंने तो किसी को दिया ही नहीं है। अरे मैम आप देखिए, आपके फोन में ही मैसेज आया हुआ है और आपके फोन से OTP दिया गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने OTP दिया है, वहीं से पैसे की ट्रांजेक्शन हुई है। OTP आपके फोन पे आया हुआ है ना मैम? आया तो है। तो बताइए हमें कैसे, किसी को कैसे पता चल सकता है OTP का आपके अलावा? आपके फोन पे OTP आया, सिर्फ आप ही के थ्रू जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते मैम, सॉरी। मैं तो किचन में काम कर रही थी और ईशान के पास फोन था और किसी का फोन भी नहीं आया। क्या बोल रही थी वो? कहती है आपने क्या किया? दे दिया? हाँ दे दिया। ये आपने बहुत बढ़िया किया, ऐसे कभी आपको मम्मी से बिना पूछे कोई किसी को नहीं मैसेज देना चाहिए। जानो आज के बाद है ना, आप मेरे से बिना पूछे फोन नहीं उठाओगे। दूसरा, पर्सनल बातें, पर्सनल चीजें किसी को भी शेयर नहीं करोगे ना बताओगे ऐसे, ठीक है? ये बैड मैनर्स होते हैं। और ऐसे देखो अब क्या हो गया, फोन में से पैसे निकल गए ना। और दोस्तों आप भी किसी को ऐसे पर्सनल मैसेज, कोई भी OTP नंबर बिना मम्मी के पापा के परमिशन के किसी को मत बताना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो